किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स ने किसान नेता पर काली शाही फेंक दी। घटना उस समय हुई जब राकेश टिकैत बेंगलुरु के गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राकेश टिकैत के अलावा आरोपियों ने किसान नेता युद्धवीर सिंह पर भी काली शाही फेंकी। अचानक हुई इस घटना के दौरान राकेश टिकैत के चेहरे, कपड़े और पगड़ी पर शाही गिरी। इस दौरान आरोपियों ने धक्का मुक्की भी की और कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर कुर्सियों से हमला भी किया। आप क्यों आए थे, क्या हुआ था? अभी बताइए, तो जिम्मेदारी यहाँ के लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये काम। आपको बता दें कि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनके बड़े भाई नरेश टिकैत भाकियू के अध्यक्ष हैं। राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ बयानबाजी के लिए काफी सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, अगर किसानों की ट्राली रोकी गई तो थानों में भूसा भर दिया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।